जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे आप लोग। आज जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नेम है आपके पास कंग्रेंट ट्रायंगल। कंग्रेंट ट्रायंगल पेज नंबर 185 पे आई चैप्टर, यूनिट 10 है, इसका नाम है कंग्रेंट ट्रायंगल। कंग्रेंट ट्रायंगल्स होती क्या है पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। कोई सी भी आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, फर्स्ट है आपके पास ए बी सी और सेकंड ट्रायंगल है आपके पास डी ई एफ। यहां पे दो ट्रायंगल्स हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल उसका मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की हर साइड हर एंगल आपस में क्या हुआ इक्वल हो, हर साइड हर एंगल आपस में क्या हुआ इक्वल होगा। पहले मैं अगर साइड की बात करता हूं, जैसे इस ट्रायंगल की साइड क्या है मेजरमेंट ए बी, इस ट्रायंगल की साइड देखिए ये वाली साइड है और ये साइड, तो कंग्रेंट कंग्रेंट का ये सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं कंग्रेंट। मेजरमेंट ए बी किसके इक्वल आ गया मेजरमेंट बी ई के, इसी तरह मेजरमेंट ए सी किसके कंग्रेंट आ गया मेजरमेंट डी एफ के, लास्ट साइड क्या रहेगी मेजरमेंट डी सी किसके कंग्रेंट आ गया मेजरमेंट ई एफ के। मतलब कि फर्स्ट ट्रायंगल की साइड दूसरी ट्रायंगल की साइड के क्या आपस में इक्वल है, इक्वल मतलब कंग्रेंट, ये साइड क्या होगी कंग्रेंट होगी। अब एंगल्स की बात करते हैं, अब एंगल्स देखें, एंगल ए किसके कंग्रेंट आ गया एंगल डी के, एंगल बी किसके कंग्रेंट आ गया एंगल ई के, बी की पोजीशन और ई की पोजीशन, पोजीशन भी आपने देखी, ये नहीं कहना कि एंगल बी एंगल एफ के आगे दोनों की पोजीशन क्या होगी सेम नहीं है तो वो गलत हो जाए। इसी तरह एंगल सी किसके कंग्रेंट आ गया एंगल एफ के, तो कंग्रेंट ट्रायंगल क्या होती है कि साइड दो ट्रायंगल है उनकी साइड और एंगल आपस में क्या हो इक्वल आ जाए, इक्वल मतलब कंग्रेंट आ जाए। अब इसकी जो डेफिनेशन है पूरे चैप्टर की, चैप्टर नंबर 10 की समरी में दी हुई है तमाम डेफिनेशन, पेज नंबर 198, पेज नंबर 198 पे इसकी तमाम डेफिनेशन है समरी दी हुई है चैप्टर की। पहला जो पॉइंट है समरी का, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो कौन सी है, डिफाइन, पेपर में सवाल आता है डिफाइन ए एस ए कंग्रेंट ए एस ए, ए एस ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एंगल, ए का मतलब है एंगल, एस का मतलब है साइड और फिर ए का मतलब है एंगल, तो ये डेफिनेशन क्या आ गई एंगल साइड एंगल। अब इसका मतलब क्या है एंगल ए एस ए कंग्रेंट ए एस ए, मतलब कि आपके पास दो ट्रायंगल्स होनी चाहिए तो एक ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के क्या होगा इक्वल होगा। फिर साइड की बात आती है, एक ट्रायंगल की साइड दूसरी ट्रायंगल के साइड के इक्वल होगी, कोई सी भी साइड आ सकती है कोई सा भी एंगल आ सकता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये एंगल ए आ जाए एंगल बी आ जाए या एंगल सी, कोई सा भी एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। डेफिनेशन क्या है एंगल साइड एंगल कंग्रेंट एंगल साइड एंगल, फर्स्ट ट्रायंगल के एक एंगल एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ गया, साइड कोई भी आ गई या कोई भी एंगल आपस में क्या होगा इक्वल होगा। पेज नंबर 198 पे जो पहला पॉइंट है समरी का वो डेफिनेशन है, मैंने यहां पे लिख दिया है डिफाइन ए एस ए कंकरेंट ए एस ए, क्या है इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स ए वन साइड एंड एनी टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, इफ क्या उसने बोला हुआ है वन साइड एंड एनी टू एंगल,
मतलब कि कोई सी भी साइड और कोई से भी दो एंगल, दूसरी ट्राइंगल के एंगल और साइड के क्या होंगे, इक्वल होंगे। आर कंग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर देन द ट्राइंगल आर कंग्रुएंट। अब देखिए ये आपके पास दो ट्राइंगल है, अगर इस डेफिनेशन की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, फाइंड द डेफिनेशन ऑफ एंगल साइड एंगल, तो आप आपके पास ये क्या चीज बनेगी, उसने कहा है एक वन साइड, कोई भी साइड आप ले सकते हैं, कोई भी साइड। मैं कहता हूं सपोज मेजरमेंट ए सी, ए सी किसके करस्पॉन्डेंट है, डी एफ के, कंग्रेट मेजरमेंट डी एफ, एक साइड होगी। अब एंगल्स की बात है, एनी टू एंगल्स, कोई से भी दो एंगल, मैंने कहा कि सपोज एंगल ए कंग्रेट आ गया एंगल डी के, दूसरा एंगल आप कोई से भी ले लें एंगल सी कंग्रेट आ गया एंगल एफ के, तो देन दिस इज कॉल्ड एंगल साइड एंगल। देखिए दो एंगल्स है एक साइड है, दो एंगल एक आ गया साइड, तो किसकी डेफिनेशन होगी एंगल साइड एंगल। अब इसके बाद सेकेंड डेफिनेशन है डिफाइन एस 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 कंग्रेंट एस एस एस, सेकेंड डेफिनेशन समरी में थर्ड पॉइंट, समरी में थर्ड वाला पॉइंट है वो डेफिनेशन है डिफाइन साइड 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 कंग्रेंट साइड साइड साइड, समरी में ये थर्ड वाला पॉइंट की डेफिनेशन है। अब इसमें देखें, इसी से ही आपको नजर आ गया होगा कि पहली ट्राइंगल की तीनों साइड्स, एस 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 का मतलब क्या होता है साइड साइड साइड, दूसरी ट्राइंगल के साइड्स के क्या होगा इक्वल होगा, ए बी डी के इक्वल होगा, ए सी ए एफ के, बी सी ई एफ के, तो तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई इक्वल हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं डिफाइन एस 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 कंकरेंट एस एस एस। इसकी जो डेफिनेशन है मैं आपको रीड करके बता देता हूं, इन अ करस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कंकरेंट टू द करस्पोंडिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर देन द टू ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। एक इसकी डेफिनेशन आ गई एस एस एस, मतलब के साइड साइड साइड। अब इसके बाद जो डेफिनेशन है नंबर थर्ड में, डिफाइन एच एस कंग्रेंट एच एस। एच का मतलब क्या है हाइपोटेनियस, एच का मतलब है हाइपोटेनियस और एस का मतलब है साइड। एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस, एस स्टैंड फॉर साइड। अब यहां पे जब भी हाइपोटेनियस की बात आ जाए तो ये पासोलेट्स कब यूज होगा, जब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ए वन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब राइट एंगल क्या है, यह है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, यह है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इस सिंबल का मतलब क्या है, ये जो सिंबल है इट्स मीन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो डेफिनेशन देखें, समरी में ये फोर्थ वाला पॉइंट, इन समरी फोर्थ पॉइंट, इफ इन द करस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangle are congruent.
कहता है सबसे पहले आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। एक मैंने उस शेप में बना दी, अब सेकंड देखें, मैं ये बना देता हूं, बी ई एफ। पॉइंट ई पे एंगल कौन सा आ गया? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या है? कि उसमें एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री। ये जब भी ये सिंबल आ जाए, इट्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये आपके पास दो क्या आ गई? राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल। नो बाय द डेफिनेशन ऑफ एचएस, उसने क्या बोला हमें? इफ इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? ये जो स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। अगेन आई रिपीट द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पहले ट्रायंगल में क्या है? मेजर में सी ए कंग्रेंट। दूसरी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है? मेजर में डी एफ। ये आपस में क्या आ गया? कंग्रेंट आ गया। एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल, कोई सी भी आप साइड ले सकते हैं, ये भी साइड है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। बाकी आपके पास ये दो साइड रह गई, कहते हैं कोई भी साइड आपस में क्या हो? कंग्रेंट हो। तो कोई सी भी आप साइड ले लें, मेजरमेंट ए बी किसके कंग्रेंट आ गया? मेजरमेंट डी ई। देन दिस पोस्टुलेट इज कॉल्ड एच एस, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस साइड। अगेन रिपीटिंग फर्स्ट डेफिनेशन, ए एस से एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, डिफाइन एस 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 साइड साइड साइड, फिर एच एस हाइपोटेनियस साइड। एच का मतलब है हाइपोटेनियस। ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दी। लास्ट पॉइंट नंबर फोर, ये डेफिनेशन है डिफाइन कंग्रेंट ट्रायंगल। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंग्रेंट ट्रायंगल क्या होती है, कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल की हर साइड हर एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। समरी में ये लास्ट वाला पॉइंट है, इन समरी लास्ट वाला पॉइंट है पेज नंबर 198। Two triangles are said to be congruent if there is extra correspondence between them such that all the sides and angles are congruent. All the sides and angles are congruent. मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अगेन मैं बता देता हूं कि ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ, ठीक है, इसकी दोनों की हर साइड हर एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। देन दीज ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट ट्रायंगल। ये मैंने आपको चैप्टर के लास्ट में बता दिया था कि कंग्रेंट ट्रायंगल क्या होती है और कंग्रेंट का सिंबल क्या होता है। ये है, इट इज अ सिंबल ऑफ कंग्रेंट, ये सिंबल है कंग्रेंट का, कंग्रेंट ट्रायंगल। ये थी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 10 की। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में लॉन्ग पार्ट कोई भी नहीं आता, थ्योरम भी नहीं आते, सिर्फ शॉर्ट आते हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, मैं आपको वो समझा देता हूं। रिव्यू एक्सरसाइज 10 है, रिव्यू एक्सरसाइज 10। रिव्यू एक्सरसाइज 10 उसका क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट।
इसने क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 198 पे, रिव्यू एक्सरसाइज 10 का सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। पेज में लिख देता हूं पेज नंबर 198। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। डायग्राम बुक में दी हुई है, पेपर में भी डायग्राम बनी हुई आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जो बुक में डायग्राम दी हुई है पेपर में भी ये डायग्राम गिवन होगी आपके पास। परेशानी होना कि डायग्राम हमें बनानी है, पेपर में ये डायग्राम दी होगी, फ्री हैंड आप लोगों ने डायग्राम बनानी जिसका मैं बना रहा हूं, लेकिन फ्री हैंड का मतलब है स्केल आपने यूज करना। ए बी डी ये पॉइंट्स हैं, साइड्स हैं, ये जो लाइन का मतलब है जो कट किया हुआ है इसका मतलब है ये दोनों साइड्स आपस में क्या है इक्वल है। जब भी डायग्राम में ये जरा सिंबल आ जाए इसको कट किया हुआ है इसका मतलब है कि दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल। ये जो सिंबल है मैंने पहले कह दिया मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ये डबल लाइन आ गई है, इनका भी मतलब है ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है, मतलब कि बी डी और डी सी आपस में क्या है इक्वल है। सिंगल लाइन आ जाए तब इसका मतलब क्या है ये आपस में इक्वल है, डबल लाइन आ जाए तब भी मतलब क्या है इक्वल है। फर्स्ट है ये, सेकंड एंगल 55 डिग्री, बी डी क्या है 5 m - 3 और 2 m + क्या आ गया 6। कहते हैं उसने बोला अगर इन ये जो आपके पास ट्रायंगल है इसमें से आप लोगों ने अननोन वैल्यू मालूम करनी है। अब अननोन कौन से हैं, एक तो एक्स है दूसरा क्या है एम, एक्स एंड एम कंग्रेंट ट्राइंगल है। बाय द डेफिनेशन ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल मैंने क्या कहा था कि दो ट्राइंगल है उसकी हर साइड हर एंगल आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग एम की वैल्यू प्रूव करते हैं। आप हेडिंग दे दें फर्स्ट पे टू फाइंड एम, टू फाइंड एम पहला जो अननोन वेरिएबल वो क्या है एम। मैंने भी आपको बोला यहां पे इस डबल लाइन का मतलब क्या है कि दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम फिगर बीडी और डीसी ये आपस में क्या है इक्वल है। तो मेजरमेंट बीडी, मेजरमेंट बीडी किसके इक्वल आ गया, मेजरमेंट डी क्या आ गया सी। बीडी और डीसी आपस में क्या आ गया इक्वल। अब यहां पे हमें वैल्यू पुट कर दें, बीडी किसके इक्वल है 5 m - 3 इज इक्वल, डीसी किसके इक्वल है 2 m + 6। यहां से हम लोगों ने एम की निकालनी है वैल्यू। तो कल मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि वेरिएबल जो होता है वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, विदाउट वेरिएबल की वैल्यू राइट हैंड साइड पे। 5 m - 2 m = 6 + क्या आ गया 3। ये 2 m + का यहां पे माइनस का हो गया, ये 3 - का राइट हैंड साइड पे गया तो क्या हो गया प्लस का हो गया। 5 m - 2 m = 3 m = 9। We have to find the value of m, 3 multiply यहां पे डिवाइड, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3।
इसको कटिंग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 है। एक आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब सेकंड, अब कौन से रह गया वेरिएबल, एक्स। अगेन आप यहां पे हेडिंग दे दें टू फाइंड एक्स। टू फाइंड एक्स, अब देखिए एक्स कहां पे है, एंगल पे है। डिग्री जब भी आ जाए उसका मतलब है एंगल, उसका मतलब क्या है एंगल, कंग्रेंट ट्रायंगल है, एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगेन लिखेंगे फ्रॉम फिगर मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल आ गया, मेजरमेंट एंगल सी। ये एंगल बी, ये एंगल सी, बोथ दी एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल सी के। बाय पुटिंग द वैल्यूज, एंगल बी किसके इक्वल है 55 डिग्री के, एंड एंगल सी 5x प्लस 5 ये डी 55 डिग्री एज इट इज, ओपन करें ब्रैकेट 5 डिग्री एक्स प्लस 5 डिग्री, एक्स के ऊपर भी लगा दें, कई जगह पे बुक्स में वेरिएबल के ऊपर भी उन्होंने डिग्री लगाई है, सम सवालों में, कुछ सवालों में, कुछ जगहों पे बुक में उन्होंने वेरिएबल के ऊपर भी डिग्री लगाई हुई है। अब यहां पे आप लोगों ने एक्स की निकाली है वैल्यू 5, को आप इधर लेके आ जाए 55 डिग्री माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 डिग्री एक्स, 55 माइनस 5 50 डिग्री इज इक्वल 5 डिग्री एक्स। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 5 मल्टीप्लाई यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 50 डिग्री डिवाइडिंग बाय 5 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स, इसको डिवाइड किया कटिंग की 10 इज इक्वल टू एक्स डिग्री, इसको डिवाइड भी करते हैं कट भी करते हैं तो आंसर क्या आएगा 10। तो दिस इंप्लाइज एक्स किसके इक्वल आ गया 10 डिग्री। ये आपके पास देखें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई एम के भी और एक्स के। इस चैप्टर में ये एक सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी बोर्ड में है या तो ये सवाल है या तो डेफिनेशन है, शॉर्ट में मैंने कहा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पे इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशन आपने याद करनी है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों ने याद भी करनी है और लिखनी भी है और लिख लिख के याद करनी है। फर्स्ट जो डेफिनेशन है, जितने भी चैप्टर में डेफिनेशन मैंने आपको समझा भी दी है और मैं आपको यहाँ पे समराइज करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सी डेफिनेशन याद भी करनी है और लिखनी भी है। फर्स्ट है डिफाइन, पहली डेफिनेशन है डिफाइन कंग्रेंट ट्राइंगल, पहली डेफिनेशन डिफाइन कंग्रेंट ट्राइंगल। फिर उसके बाद सेकंड पे डिफाइन ए एस ए एंगल साइड एंगल कंग्रेंट एंगल साइड एंगल। नंबर थर्ड पे डेफिनेशन है डिफाइन एस 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 कंग्रेंट एस 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 साइड साइड साइड। नंबर फोर पे डेफिनेशन है डिफाइन एच एस कंग्रेंट एच एस। ये तमाम डेफिनेशन जो है, तमाम डेफिनेशन
ये इसी चैप्टर की समरी में दी हुई है और पेज नंबर कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको, लिख देता हूँ। ये तमाम जो डेफिनेशन है किस पेज पे है, पेज नंबर 198। तमाम डेफिनेशन ये समरी में दी हुई है पेज नंबर 198। अब इसके अलावा दो डेफिनेशन और है, इसी से ही मिलती जुलती है, वो है डेफिनेशन पेज नंबर 188, पेज नंबर 188, नंबर 5 डेफिनेशन है, डिफाइन एस ए कंग्रेंट एस ए साइड एंगल। ये है आपके ये पेज नंबर 188, पेज नंबर 188 पे देखेंगे स्क्रॉल भी दी हुई है, उसके नीचे ये तीन लाइन है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ एस ए ए साइड एंगल इन एनी करेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल इन वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कंग्रुएंट टू द करेस्पोंडिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर देन द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, पेज नंबर 188। अब इसके बाद नंबर 6 पे जो डेफिनेशन है, नंबर 6 डिफाइन साइड एंगल साइड एस ए एस कंग्रेंट एस ए एस। ये टोटल 6 डेफिनेशन है इस चैप्टर में, ये जो डेफिनेशन है ये आपकी है पेज नंबर 186, पेज नंबर 186 पे। अगर आप लोग पेज नंबर 186 पे देखती हैं बुक है मेरे पास, ये मैं निशान लगा रहा हूं इन एनी करेस्पोंडेंट से लेकर यहां तक आपको नजर आ गया होगा, इन एनी तमाम देख ले, इन एनी करेस्पोंडेंट ऑफ टू ट्राइंगल इन वन साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कंग्रुएंट टू द करेस्पोंडिंग टू साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर देन द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। ये डेफिनेशन है जो मैंने भी आपको निशान लगवाई है, ये लास्ट पे डेफिनेशन है एस ए एस साइड एंगल साइड। ये इस पूरे चैप्टर में यही डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, याद भी करनी है और लिखनी भी है, दीज डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आप पिछले लास्ट पास पेपर उठाकर देख लें 5 ईयर्स के 10 ईयर्स के, जब भी कोई सवाल आए शॉर्ट में यहां तो ये डेफिनेशन आई है, यहां तो जो मैंने आपको सवाल समझाया है उनमें से वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको अच्छी तरह याद करें, इसको बल्कि लिखें याद करें, क्योंकि मैथ हमेशा बाय प्रैक्टिस से आता है, ये नहीं कि आपने एक दफा याद किया लिखा नहीं तो कभी भी आपको याद या उसको आपको याद नहीं कर सकेंगे, मैथ आपको नहीं आएगा, तो मैथ हमेशा बाय प्रैक्टिस से आता है। कोई भी सवाल है कोई भी डेफिनेशन है उसको लिखें बार बार लिखें याद करें फिर लिखें, देन आपकी डेफिनेशन कभी भी नहीं भूलेंगी। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होगा।